हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ में शंख बजाने के बहुत महत्व है। कहते हैं इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने की मनाही है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे ऐसी रोचक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। यहां उनकी 3.3 फीट ऊंची शालिग्राम की बनी मूर्ति है। माना जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति यहां स्वयं स्थापित हुई थी। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार जब हिमालय में दानवों का बड़ा आतंक था, तब ऋषि मुनि न तो मंदिरों में न ही किसी और स्थान पर भगवान की पूजा अर्चना कर पाते थे। राक्षसों के आतंक को देखकर ऋषि अगस्त्य ने माँ भगवती को मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद माँ कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से राक्षसों को खत्म कर दिया। हालांकि माँ कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए 2 राक्षस आतापी और वातापी वहाँ से भाग निकले। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया, जिसके बाद से यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ में शंख न बजाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, जिसके अनुसार अगर यहाँ शंख बजाया जाए तो उसकी आवाज बर्फ से टकराकर ध्वनि पैदा कर करेगी, जिससे बर्फ में दरार पड़ सकती है और हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।